मतलब वो देख के हमें ऐसा हो रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं लोगों को आईपीटी होती है, माइंडिंग को आईपीटी होती है, एंड एनवायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो डिग्रेड हो ही रही है। सो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा आर्ट है, वेरी नाइस।
so expressive भी everything is yeah ये सब आंखें features तो बिल्कुल ही अच्छे हैं मतलब almost real लग रहे हैं जो actually real लोग टांगते हैं जो कि घंटे में अरे यार बड़े फास्ट है बिकॉज़ इवन हाँ well it's very nice to be here for Samta Foundation and Richa had called me. You can come here, Richa. So it's I think a great platform जहाँ उन्होंने जो पालघर से आर्ट है जो क्राफ्ट्समैन है जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पर लेकर आई हैं और वार्ली जैसी पेंटिंग्स है कोई पेपर मैश से कुछ बना रहे हैं कोई बैम्बू से कुछ बना रहे हैं एंड कुछ लकड़ी से कुछ बना रहे हैं सो इट्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर ऑल दीज पीपल हैव कम हियर और आई एम थैंकफुल दैट शी इज़ कॉल्ड मी हियर सो इट्स वेरी नाइस टू बी हियर टू विटनेस दिस एंड वार्ली तो हम लोग को बहुत ही पसंद था बट आज थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ देख रहे हैं कि वार्ली आर्ट क्या है अच्छा ये वाली पेंटिंग कितने घंटे में बनती है ये वाली अभी मैं पूछ ही रहा था तो ये सिल्क पे बनी है कहते हैं दो तीन दिन लगते हैं मैंने कहा यार दो तीन दिन तो लग जाते हैं मैंने कहा लेकिन ये छोटी वाली कहते हैं एक घंटे में बना लेते हैं ऐसे दैट्स सो नाइस इट्स अमेजिंग कि एक घंटे में आप ये इतनी सी भी पेंटिंग इंट्रिकेट वर्क के साथ बना लेते हो आई थिंक एंड देर जस्ट फार्मर्स दे आर नॉट कि दे आर डूइंग दिस फॉर देयर लाइवलीहुड तो अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव दिस टैलेंट विच इज़ अमेजिंग सो इट्स ग्रेट टू मीट देम पर्सनली टुडे and more people should come forward to support them. I think that will be very nice. And apart from that, Samta Foundation does a lot for people out there in Palghar, from physical aids like cataract or malnutrition or helping family plannings and stuff like that. So it's amazing. She's doing a great job. तो ये एक्चुअली ये वहाँ पे मेरा आर्ट शो भी है पालघर पर्सपेक्टिव्स मैंने पालघर के लेडीज़ और उनकी लाइफ से इंस्पायर होके मैंने पेंटिंग्स बनाई है और उसके ज़रिए से मैंने यहाँ के पालघर के कुछ आर्टिस्ट को बुला के उनका भी प्रदर्शित किया है वी आर ट्राइंग टू समता थ्रू समता फाउंडेशन वी आर सपोर्टिंग देम एज करण सेड कि बहुत सुंदर उन्होंने वार्ली आर्ट बनाई है वार्ली एक पालघर की ट्राइब है जो ये आर्ट करते हैं अपने घरों के दीवारों पर अपने ज़मीनों पर तो गोबर पोत के उस पर पेंट करते हैं राइस पाउडर से पेंट बनाते हैं नेचुरल चीज़ों से यहाँ पे उन्होंने कैनवस पे किया है पोस्टर पेंट यूज़ किया है और पूरी लाइफ उन्होंने एक छोटे से कैनवस पे दिखाई है उनकी जो डेली लाइफ है या फार्मिंग सीन है या कोई फेस्टिविटीज़ है वो सब वार्ली के थ्रू छोटी छोटी जो इंट्रिकेट डिज़ाइन है फिर हमारे यहाँ क्राफ्ट्समैन भी है जैसे उन्होंने मेंशन किया पेपर माशे से बनाया है बैम्बू से लकड़ियों से उन्होंने आर्टिफैक्ट्स बनाया है सो थ्रू दिस एग्जिबिशन पालघर पर्सपेक्टिव्स आई थिंक इट इज़ अ great way like mera ye first solo art show hai mujhe bachpan se painting ka shauk raha hai so I understand the importance of art in right. everyone's life so koi gana gaata hai koi kalakar hai hamare yahan bade koi tv actors hain actresses hain mera ichha thi ki main mera jo choti si kala hai main bhi karu dikhaun logon ko and ye jo artist aaye hain unki bhi log sab dekhe aur encourage kare unko thank you जी जी देखिए बाकियों के लिए तो मैं कह नहीं सकता बिकॉज हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है लाइफ का एक टाइम होता है कोई बिजी है कोई क्या है देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कोई अपनी चीज़ों में बिज़ी होता ही है चाहे वो काम करने में हो चाहे मसरूफ़ हो चाहे घर के कामों में हो चाहे कैसे भी हो बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए शायद आपको बाहर निकलना चाहिए कभी सोचना चाहिए कभी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए आई थिंक समवेयर यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी जहाँ आप लोग हैं भी तो एक अलग अलग तरीके हैं ये सब चीज़ें करने के लिए ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको आके वो दिखाने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं ये नहीं है कि मैं आज ये कर रहा हूँ मुझे करीबन 14 साल हो गए जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी कर रहे थे चुपचाप भी कर रहे थे करते रहते हैं और मोस्टली ये ज़्यादातर जो इंस्पिरेशन आई है वो निशा से ही आई है टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज एनिमल एक्टिविस्ट से लेके पता नहीं क्या क्या वो करती थी मतलब 14 साल पहले वो चलती गाड़ी से कूद जाती थी बाहर एक एनिमल को बचाने के लिए आई बी लाइक ये क्या हो रहा है भाई ये क्या कर रही है लड़की सो आई वुड बी शॉक्ड कि ऐसा भी कोई कर सकता है सो एक थॉट पर्सपेक्टिव होता है वो चेंज हुआ
संगत का असर भी होता है. कभी कुछ पिजन्स को हुआ, कभी कुछ एनिमल्स को हुआ. शील ऑलवेज उस गाड़ी में एक टोकरी हमेशा होती है सालों से. फिर ऐसा कुछ माहौल हो गया कि सेट पे जब मैं काम किया करता था रिश्ता के टाइम पे, मैंने कुत्तों को भी स्टेरलाइज करवाया, मैंने कोई बिल्ली को रेस्क्यू किया, मैंने किसी सांप को आया तो मैंने उसको वाइल्ड लाइफ को बुलाया. तो ऐसा हो जाता है. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग लाइक दैट. एंड एक नेचुरल प्रोसेस होता है. एंड काफ़ी चीज़ ऐसे कि कहीं हेल्प किया, कभी कुछ है, कभी आपने यूनिसेफ, आपने वर्ल्ड विजन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया, पीटा के साथ काम किया. तो ये सब चीज़ें हमने करी हैं. सो वी हैव जस्ट बीन इन दैट स्पेस आई थिंक. एंड इवन टुडे, कल भी हम लोग कहीं गए हुए थे. आई वाज जस्ट टेलिंग हर टुडे आल्सो आई एम हियर फॉर हर. सो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग आते रहते हैं, करते रहते हैं, जेन्युइनली करते हैं. सो इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. कभी बीच क्लीन अप कर रहे हैं, कभी एनवायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं. सो देयर सो मेनी इशूज़. चाहे आप एक चीज़ को पकड़ के भी कर लें, आई थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस. एंड पीपल इन आर पोजिशन हु कैन मेक अ डिफरेंस. आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इन्फ्लुएंसर्स जो कहलाते हैं, सो लेट्स यूज़ दैट पावर आई थिंक इन द राइट वे विल बी नाइस. इट्स लेट्स नॉट जस्ट कीप पोस्टिंग प्रोडक्ट्स, लेट्स जस्ट डू समथिंग ऑल्सो विच हेल्प्स पीपल अदर देन अस. सो इट विल बी नाइस. थैंक यू.